समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का हनुमान कौन है? शायद ही आपको पता हो अखिलेश यादव के हनुमान के काम की जिम्मेदारी कौन से नेता निभाते हैं। चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या फिर पंचायत चुनाव हो, अखिलेश के लिए नेता हनुमान की तरह काम करता है। अखिलेश के लिए ये नेता हनुमान की तरह मौके पर अखिलेश से पहले पहुंच जाता है। 2022 के विधानसभा के चुनाव को जीतने के लिए अखिलेश यादव इस वक्त उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों के भ्रमण में हैं और उस कार्यक्रम को सफल बनाने से लेकर उस कार्यक्रम की पूरी संरचना को देखने का काम इसी नेता के कंधों पर है। अखिलेश यादव जब भी किसी बड़ी रैली को संबोधित करने जाते हैं तो अखिलेश से पहले अखिलेश के हनुमान वहां पहुंचकर उस कार्यक्रम का पूरा निरीक्षण करते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखते हैं कि कार्यक्रम को किस तरीके से सफल बनाना है और कौन सा नेता कहाँ से आ रहा है, कौन से नेता की क्या जिम्मेदारी है, ये भी अखिलेश के इस हनुमान के द्वारा ही तय किया जाता है। जैसा जैसा अखिलेश इनको बताते हैं वैसा वैसा ये मैदान पर जाकर करने लगते हैं। कभी कभी अखिलेश यादव अपने व्यस्त कार्यक्रमों की वजह से कई सभाओं में भाग नहीं ले पाते हैं तो अखिलेश अपनी जगह अपने इसी हनुमान को उन सभाओं में भेजते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सा नेता है जो अखिलेश यादव का हनुमान कहा जा रहा है और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के लिए हनुमान की तरह काम करता है, तो आइए हम आपको बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव ही वही नेता जो अखिलेश यादव के लिए हनुमान की हैं। किसी बड़ी रैली के कार्यक्रम को तय करना हो या कार्यकर्ताओं से लेकर संगठन के नेताओं के बीच सही संवाद बैठाना हो या धुआंधार प्रचार प्रसार करना हो, हर एक कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव ठीक उसी तरीके से फिट बैठते हैं जिस तरीके से रामायण में हनुमान दिखाई देते हैं। ये बात कहीं ना कहीं हकीकत है। जब भी समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उस कार्यक्रम में धर्मेंद्र यादव के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है और उस जिम्मेदारी को धर्मेंद्र ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से रामायण में हनुमान पूरा करते थे। इसके साथ चाहे चुनाव प्रचार का काम हो या संगठन में संवाद बैठाने का काम हो या संगठन की रणनीति को पूरे तरीके से मजबूत करने की बात हो या जमीन पर अपनी बातों को जनता तक पहुंचाना हो, हर एक काम में ठीक उसी तरीके से धर्मेंद्र यादव खुद को फिट बैठा लेते हैं जैसे रामायण में राम के लिए हनुमान दिखाई देते हैं। इसीलिए धर्मेंद्र यादव कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए एक हनुमान की तरह आगे चलते हुए दिखाई देते हैं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।